हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमृता। स्वागत है आपका अमृता हैप्पी टमी में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिप्स की रेसिपी। ये ऐसा स्नैक्स है जो सभी को पसंद आता है, चाहे वो बच्चे हो या बड़े। ये जो चिप्स की रेसिपी है, अगर आप एक बार बना लेते हैं तो आप साल भर इनको स्टोर कर कर रख सकते हैं और जब चाहें तब इनको फ्राई करके 2 मिनट में गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची चिप्स बनते हैं इनसे। और ये वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि मैंने इसमें सारे टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लें। ऐसा करने से आपको मेरे सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी के लिए मैंने लिए हैं 1 किलो आलू। यहाँ पे मैंने कोई स्पेशल आलू का यूज़ नहीं किया है, जो नॉर्मल आलू मेरे घर में अवेलेबल थे वो यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। हो सके तो बड़े वाले आलू का यूज़ कीजिएगा, पर अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो कोई बात नहीं। बस उनका जो स्लाइसिंग का प्रोसेस है वो आप ऐसे लंबाई में कर लीजिएगा, तो इससे क्या होगा, आपको चिप्स जो हैं वो बड़े बड़े मिलेंगे। स्वाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है छोटे या बड़े आलू से, बस इतना ही है कि चिप्स की साइज़ बड़ी या छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने पानी में डायरेक्टली स्लाइस किए हैं और इनको मैंने ना ज़्यादा मोटा किया है ना ज़्यादा पतला किया है। ज़्यादा पतला करने से वो सूखते समय चिपक कर बैठ जाते हैं और मोटे जो हैं वो फ्राई करते समय तकलीफ़ होते हैं। और दूसरे कंटेनर में मैंने एक पानी लिया और उसमें आधी छोटी चम्मच फिटकरी डाल ली है, जिसको हम अच्छी तरह से घुलने देंगे। और घुलने के बाद ये जो हमने चिप्स डाले हुए हैं पानी में, वो पूरे के पूरे हम फिटकरी वाले पानी में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको हम आधा घंटा इसी तरह से ढककर छोड़ देंगे। तब तक हम एक दूसरे कंटेनर में पानी गर्म कर लेते हैं। पानी में नमक डालना है, नमक थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालें और पानी को उबाल आने तक इंतज़ार करें। पानी को उबाल आने के बाद जो चिप्स हैं इनको फिटकरी के पानी से निकाल कर इसमें डाल लीजिए। क्योंकि हमने फिटकरी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है तो हम डायरेक्टली ये पानी में डाल सकते हैं, पर अगर आप फिटकरी का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये चिप्स को वापस एक बार नॉर्मल पानी से धोकर फिर इस पानी में ट्रांसफ़र करें। अब हम ये जो उबलता हुआ पानी है इसमें इसको 3 से 4 मिनट तक चिप्स को कुक होने देंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरे जो चिप्स हैं 3 से 4 मिनट मैंने कुक किए हैं। तो यहाँ पे मेरे जो चिप्स हैं इनको मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। चेक करने के लिए हमें ये जो चिप्स हैं इनको पानी में से निकाल कर अपने हाथों की सहायता से एक साइड में कट कर कर देख लेना है। अगर ये आसानी से कट हो जाते हैं तो आपके जो चिप्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। इससे ज़्यादा ना पकाएं, नहीं तो ये टूटने लगते हैं। फिर हम इनको एक कॉटन के कपड़े पे इस तरह से फैला लेंगे। एक एक करते हुए ही फैलाना है, ज़्यादा चिपका कर ना फैलाएं, नहीं तो क्या होता है ये एक साथ चिपक कर बैठ जाते हैं और चिप्स जो हैं वो खिले खिले नहीं बनते हैं। तो फैलाने के बाद आपको इनको अच्छी तरह से धूप में रख लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरी तरह से फैला लिए हैं और इनको मैंने धूप में पूरा दिन रखा था। अब शाम तक ये इस तरह से एकदम अच्छी तरह से सूख चुके हैं। ये सूख जाते हैं शाम में ही, पर इसके बाद भी आपको दूसरे दिन वापस इनको धूप दिखानी है। तो इस वजह से क्या होता है, पूरा 2 दिन की अगर इनको धूप मिल जाए तो ये जो हैं बहुत अच्छी तरह से टिके रहते हैं, साल भर बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मेरे चिप्स एकदम अच्छे 2 दिन बाद क्रिस्पी एकदम अच्छे फ्राई होने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो इनको मैं फ्राई कर कर भी आपको दिखा देती हूँ। मैंने तेल को गरम कर लिया है और गैस को मीडियम फ्लेम पे रखा और यहाँ पे एक चिप्स जो है उसको डालकर फ्राई कर कर देख लेते हैं कि ये हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे एक वाला जो मैंने डाला था ये तो अच्छी तरह से हो गया है, इसका मतलब तेल एकदम अच्छी तरह से गर्म है। तो इसी तरह से हम बाकी के भी चिप्स जो हैं इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेरे बाकी के जो चिप्स हैं वो भी डाल लिए हैं। तो थोड़ा जितना आपके तेल में फिट हो जाए उतने क्वांटिटी डालकर आप इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए और एकदम बस 2 सेकंड में ये फ्राई हो जाते हैं जैसे तेल गर्म हो जाए। देखिए एकदम अच्छी तरह से खिल गए हैं, साइज़ भी एकदम परफेक्ट है और कलर भी बहुत ही अच्छा सा वाइट सा आ गया है। इनको निकाल लीजिए। आप चाहें तो इसी तरह से इसको ऐसे ही प्लेन खा लीजिए, एकदम सॉल्टेड तो है ही है। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा इस पर सीजनिंग भी डाल सकते हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर या फिर कोई पिज़्ज़ा सीजनिंग, जैसे आप चाहें वैसे खा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।